माता की, मैं पंडित मूर्तिराम आनंदवर्धन नौटियाल ज्योतिषाचार्य देवी नरसिंह उपासक गोत्री था। जैसे आप सभी को पता है 21 जून 2020 दिन रविवार को कंकण सूर्य ग्रहण लग रहा है। जो सूर्य ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण है उसका समय 9:15:58 से ही 3:04:01 तक रहेगा। कंकण सूर्य ग्रहण का जो प्रारंभ है वो 10:17:45 से आरंभ होगा और समापन का जो समय है 2:02:07 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण में आप क्या करें? सूर्य ग्रहण में आप भगवान सूर्य की उपासना, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ एवं श्री भगवान शंकर का महामृत्युंजय जाप, ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप, या आपकी कोई राशि के कोई ग्रह ताप है उस राशि का जाप भी कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देवता की भी आप सिद्धि या साधना भी कर सकते हैं, क्या ना करें। सूर्य ग्रहण में जो विशेषता है वो गर्भ स्त्री विशेष ध्यान दें, वो कोशिश करें कि उस दिन जो है घर से बाहर ना जाएं, और अगर जाना पड़े किसी कारणवश तो अपने साथ माचिस या कुसा या साथ में चाकू आदि का अपने साथ रखें। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए आप एक्सरा या जो वेल्डिंग मशीन में जो प्रयोग होता है शीशा, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप शीशा काला शीशा जो हम धारण करते हैं धूप से बचने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य कंकण सूर्य ग्रहण में आप एक तांबे के पात्र में घी रख के या कांसे के पात्र में घी रख के चांदी का कोई सिक्का रखिए और जब सूर्य ग्रहण समापन हो जाए तो वो ब्राह्मण को दान करें, ये शुभ रहता है। अब बात आती कि कौन सी राशि में क्या प्रभाव रहेगा, उसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्या कम इनबॉक्स में अपना जो मैसेज आप डाल के हमें अवगत करा सकते हैं। प्रयास करेंगे कौन सी राशि में क्या है। भारत में अलग अलग राज्यों में सूर्य ग्रहण अलग अलग समय में लगेगा, उसके लिए भी आप इसमें जा सकते हैं, इनबॉक्स में आप मैसेज डाल के या अपना पर्सनल लिख के हमें भेज सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो हम बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जय माता दी।